रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को लेकर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि संगठन के सदस्य देशों के नेता इस बात पर तैयार हुए हैं कि जब सहयोगी देशों में रजामंदी होगी और शर्तें पूरी होंगी तो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। नाटो प्रमुख ने ये भी बताया कि यूक्रेन को 30 से ज्यादा देशों के सैन्य संगठन में शामिल करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस बात पर ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जताई है और इसे बेतुका कहा है। हालांकि स्टोल्टेनबर्ग ने नाटो की सदस्यता के लिए जरूरी एक प्रमुख कदम का जिक्र करते हुए कहा, हमने दोहराया है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा और हम सदस्यता कार्य योजना की जरूरत खत्म करने के लिए सहमत हो गए हैं। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि इस फैसले के बाद यूक्रेन की सदस्यता के लिए दो कदम के बजाय एक कदम ही उठाना होगा और जब सहयोगी देश सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी तब यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। फिलहाल नाटो के सदस्य देशों में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर आम सहमति नहीं बनी है, जबकि कई देश यूक्रेन की सेना को हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेताओं ने यूक्रेन की सदस्यता के रास्ते से अवरोध हटाने का फैसला किया है ताकि रूस के साथ युद्ध खत्म होते ही वो इस सैन्य संगठन में शामिल हो सके। उधर ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन को आमंत्रित करने और उसकी सदस्यता के लिए कोई समय सीमा तय नहीं किया जाना बेतुका है। उन्होंने कहा, हम अपने सहयोगियों को महत्व देते हैं, यूक्रेन भी सम्मान का हकदार है। वहीं ज़ेलेंस्की की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि उनका देश रूस के खिलाफ युद्ध जीते, क्योंकि जब यूक्रेन अस्तित्व में रहेगा तभी सदस्यता पर बातचीत का मतलब है।